ऑल्सो एक और ब्रिज है जिसपे बहुत गंदा ट्रैफिक है जब तक अभी साकेत के पास आपको बहुत गंदा ट्रैफिक में ट्रैफिक होगा अब आप ये ना पूछना मुझे कि कि नहीं है इज इट इट अथॉरिटीज नहीं होगा छोड़ दो ना हर साल इसी बात पे लड़ाई करते हैं क्यों अपना खून जलाना चाय क्या हुआ बता <laughs> देना। दे मेरे जैसी इतनी मीठी चाय मेरे जैसी <laughs> तो <दे> <laughs> इतना बड़ा सच बोला विनोद ने मतलब ठीक है ना अब मैं मीठी हूं ना हो जाती है कभी कभार लेकिन मैंने पूरी फिनिश कर दिया तो आज चाय में बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा दूध हो गया तो मैंने ने चाय छोड़ दी ठीक कर ला ना फिर हाँ <laughs> हा दो एक लाख दे दे <laughs> दे रहा है रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैसेज को हाँ बोला है ना ठीक है अब सबूत हो गया है कब देगा बता दे। हेलो विनोद अब खतरे में है कि हाँ कि ना बोलू रिकॉर्ड हो रहा है और ये सॉरी परी कर ले जब तक ये सो रही है तब तक उठते ही चलना फिर और आज मैंने किचन की सफाई की थोड़ी सी मैंने इसकी विनोद के ड्रेसिंग टेबल की सफाई की वाह अरे देखो ये विनोद ने किया था टेक्सचर कितना अच्छा लग, तो लग रहा है ना ये रूम एक ही बार तो बताया है दिख रहा है तो भाई अच्छा लग रहा है तो दिख रहा है दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है तो बता रही हूँ और ये पता किसे। पूछा था विनोद किसी ने कैसे किया आपने ये <laughs> कहा से करवाया <laughs> तो ये कुछ नहीं किया ये ऐसी वॉल थी मैं बताना भूल गई थी तब तो ये प्लेन वॉल थी ऐसी मतलब पहले ये वाला कलर किया और उसके ऊपर से ब्लू कलर किया कौन सा किया था से बोल पहले लेमन अच्छा अच्छा सॉरी विनोद बताएंगे तो ऐसे दिखाया ना करके बता गई तो पहले लेमन कलर किया पूरी दीवार पे पहले लेमन कलर किया फिर आ, ब्लू कलर से रोलर से ऐसे ऐसे घुमा दिया जैसे रोलर चलाते ना बस रोलर चला दिया तो ये बन गया टेक्सचर दीवार बन गई हमारी या तो इसमें मतलब दो तीन कोट लगने थे या फिर एक बार एक काम चल गया और ये इतना अच्छा हो गया दीवार नहीं तो हम सोच रहे थे इस दीवार पे जो पहले वाला कलर था उसको कैसे ढके कैसे करें और फिर ऐसे आ गई वाह विनोद वाह तो क्रिएटिविटी सारी विनोद की है से हेलो कोई बात ना वो तो मैं बोले जा रही थी ना तूने बोला नहीं था परी परी सोरिया भी नहीं उठा रही अभी मैं थोड़ा सा काम कर लू नहीं उठते फिर इसको जाना घूमने के लिए नीचे था मास्क जैसे मैंने ऊपर नजर उठाई मास्क नीचे था सामने पुलिस वाला था तो मैंने मास्क ऊपर किया उठ खुँ रहा था फ्रेंड्स हम आए हैं बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग करनी थी एक्चुअली हमारे जो रोहिणी के आसपास के मॉल्स हैं वहाँ पे मुझे कुछ एक पर्टिकुलर सामान लेना था जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो मिल नहीं रहा था तो हम जा रहे हैं मॉल एंड ये है पालम विहार जहाँ हम रहते थे गुड़गांव में तो काफ़ी ये एरिया जो है ना काफ़ी खुला और काफ़ी ग्रीनरी है इस एरिया में तो ये बेस्ट एरिया में आता है गुड़गांव के एंड अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है ये जब हम यहाँ रहते थे तब तो ये बनना स्टार्ट हुए थे घर वगैरह और अब फुल बन चुके हैं एंड जो ग्रीनरी है वो भी अभी कुछ आ, मतलब और भी ज़्यादा हो गई है पहले से तो बस हम पहुंचने वाले हैं मॉल एंड इसके मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया मतलब लगता है देख के कि हाँ यार है कुछ और ये वाले जो दो घर है ना हम कभी सोच रहे थे चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है मतलब अच्छे बन रहे थे ये जब हम रहते थे तो थोड़ा सा था कि हाँ क्या पता हम यहाँ पर ही, हाँ ही लें लेकिन फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए तो छोड़ दिया बट हाँ इनको देख के याद आ गया कि क्या प्लानिंग थी हमारी और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं इस एरिया में भी कई सारी चीज़ें हैं जो और अच्छे से इन्होंने डेवलप कर दी है एंड अभी हम जा रहे हैं मॉल और ये हमारा फेवरेट मॉल हुआ करता था तो परी को सामने जो है गार्ड दिखाई दे गया तो उसने फिर हाथ पकड़ लिया है और एक जगह फ्लार लगे हुए थे तो परी ने एक ये जो छोटा सा ये बड़ा ट्री होता है उसके ऊपर ये फ्लार लगते हैं तो ये उठा लिया था उसने और बहुत खुश हो गई थी इस फ्लार को लेकर के और इसके बाद मॉल के अंदर जैसे हमने एंटर किया परी ने किया है ये जो आप देख रहे हो ना ऐसा ही कुछ था वो भी और बहुत ही सुंदर लग रहा था काफ़ी बड़ा पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ था और बिल्कुल रेड मतलब लगे हुए थे उसमें फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे और इसके बाद परी ने यहाँ पे अपना करवाया था फोटोशूट जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में मैं जो वीडियो डाली थी उस परी का फोटोशूट था और परी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पे जाके परी को खाना है पिज्ज़ा और ऋतु भी आई थी हम लोगों के साथ और नीरव नहीं है क्योंकि नीरव वहीं रोहिणी में रुक गया था अपने मामा मम्मी के साथ तो मैं विनोद और पर ही आए थे गुड़गांव एंड काफ़ी देर नो बात देख करके के लगा कि यहाँ से भी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे मूवी देखने आते थे दिल्ली में तो खुल चुके हैं बट हरियाणा में अभी भी शायद नहीं खुले हैं तो इसलिए बंद था ये एंड यहाँ पर भी परिने जैसे गार्ड को देखते हैं, तो हाथ पकड़ लेती है और ये यहाँ पर रिलायंस में और ये आंसर प्लाजा मोल बोलते हैं इसको पाली में जो है यहाँ पे ये ताऊ है ये काफ़ी फेमस न, मतलब एक रेस्टोरेंट है ये जब ये मॉल खुला था तभी से ये रेस्टोरेंट है और कभी नीरव इसके इससे छोटा हुआ करता था जब हमने आना स्टार्ट किया था <laughs> फिर नीरव की तो हाइट बढ़ गई और ही भी आ के यहाँ पर अपनी हाइट है वो देख रही है और ये एक सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स था जो आ, मतलब इसकी जब हमने यहाँ पे आना स्टार्ट किया था छोटी सी शॉप थी अब इसने काफ़ी बढ़ा ली है ऊपर नीचे भी और साइड वाली भी ले ली है और यहाँ पे परी को लेनी है आइसक्रीम तो पापा कह रहे हैं कि नहीं पहले एक बार पिज्ज़ा ले लो और उसके बाद आइसक्रीम लेना तो परी मान गई है वो जा, अब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर तो इस मॉल में मतलब मोस्टली हम मोस्टली क्या यहीं पर आते थे इसी मॉल में क्योंकि पालम बिहार में एक ये है और दूसरा है एक उधर तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है स्पेंसर वाला आ, इसमें है इसमें आपको काफ़ी सारे ब्रांड मिल जाते हैं एंड कई सारे जो है मेरे फेवरेट ब्रांड है आ, जैसे कि श्री है श्री मेरा काफ़ी काफ़ी पुराना है जब मैं टी में हुआ करती थी तब मैं श्री के मैंने कुर्ते वगैरह लिए थे तो बहुत अच्छे थे आ, और वो भी मतलब तो बहुत सारे जो ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी डोमिनोज वगैरह तो है ही साथ में रिलायंस का जो अपने हैं रिलायंस ट्रेंड के तो यहाँ पे इतना बड़ा है कि आपको एक फ्लोर फ्लॉपिंग किड्स का एंड वीमेन का है एंड एक पे आपको मैन का मिल जाएगा मैन सेक्शन शेक, है एक पूरे पे तो इस तरह से आपको काफ़ी बड़े यहाँ पे मिल जाएंगे बॉल वगैरह में शॉप्स हैं और जो कि अगर बड़ा है तो वहाँ पे वैरायटी भी मिलेंगी बट मुझे दिल्ली में ये नहीं मिल रहा था और जो पर्टिकुलर चीज़ें मुझे चाहिए चीज़े थी वो वहाँ पे मुझे नहीं मिली थी तो और वो ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी जो ब्रांड मुझे चाहिए था वो सिर्फ यहीं पर मिल रहा है ट्रेंड में ही तो वो मैं आपको दिखाऊंगी तो अब और भी ज़्यादा बाहर गया है ये काफ़ी सारे और भी ब्रांड आ गए हैं एंड ये टैटू सेक्शन होता है यहाँ पर जो कि नीरव का फेवरेट है जब भी नीरव आता था तो वही बोलता था मुझे टैटू बनवाना है यहाँ पर <laughs> बट कभी बनवाया नहीं उसने एंड हम आ चुके हैं रिलायंस के अंदर एंड परी कर रही है शॉपिंग तो परी का मैंने बताया था ना उसकी शॉपिंग तो बस पूछो मत तो उसकी ये भी लेना है ये भी लेना है ऐसे ही होता है उसका तो थोड़ा सा ही मैं रिकॉर्ड किया फिर भैया ने बोला कि जो यहाँ पे सेल्स मैन थे उन्होंने बोला कि आ, वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो अलाउड नहीं है आप अगर किसी को फ़ोटो खींच के भेजना चाहते हैं पसंद करवाना चाहते हैं तो वो बात अलग है बट आप यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते हो अंदर तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ही किया था फिर जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने कैमरा अपना ऑफ कर दिया था अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती और इसमें लेक में वगैरह और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ गए हैं तो ये हमारा फेवरेट हुआ करता था तो शॉपिंग करके हम लोग आ चुके हैं बाहर एंड यहाँ पे खाया जा रहा है पिज़्ज़ा मैं और रितु अंदर थे विनोद और परी बाहर आ गए थे तो वो अपना पिज़्ज़ा खाने लग गए थे तो परी रितु ने बोला था कि मेरे को दे दो एक बाइट तो परी ने सारा मतलब एक स्लाइस उठा करके दे दिया बट हम लोगों को इस टाइम में भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी तो हमने बस थोड़ा सा ही परी में से एक एक बाइट हम लोगों ने ली थी क्योंकि हमारा जो प्लान था वो कुछ और ही खाने का था इसीलिए हमने पिज्ज़ा पर ही के लिए छोड़ दिया था और ये आपको यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी ना दूसरे ब्रांड यूरेला इसके भी बहुत अच्छे कपड़े होते हैं एंड विजन एक्सप्रेस स्पेक्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत अच्छा है डब्ल्यू है सब वे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे तो भूख काफ़ी लग गई थी शॉपिंग हो चुकी है और हम आ गए हैं छोले भटूरे खाने के लिए छोले भटूरे खाने का मन था तो ये बिल्कुल हमारे अशोक विहार के बिल्कुल साथ में ही है अशोक विहार में ही खुला हुआ है ये ओम स्वीट्स तो ओम स्वीट्स के खाने का मन था काफ़ी फेमस है आई थिंक दिल्ली में भी हैं इसके यस yes, हाँ है दिल्ली में भी बट गुड़गांव में तो ये फेमस है हल्दीराम है ओम है हरीश है ये गुड़गांव के कुछ जो अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं उनमें हैं और हल्दीराम ओम तो खैर है ही हर जगह ही होते हैं ये तो आ, और इसका मतलब जो एटमोसफियर था और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी इस वाले में आई मीन डाइन इन के लिए पहली बार आए हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो सब क्लोज था बट इस बार ये ओपन था एंड क्राउड um, है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा यहाँ पर uh, थोड़ा सा <laughs> था क्राउड ही था थोड़ा सा एंड यहाँ पे काफ मतलब जो लोग अपना सेल्फी वगैरह ले रहे थे और बर्थडे सेलिब्रेशन भी चल रहा था तो परी को तो लगा हुआ था सामने बलून्स लगे हुए थे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसको तो मेरे को बलून चाहिए बलून चाहिए <laughs> और यहाँ पे हम लोग तो अपना ऑर्डर दे चुके हैं क्योंकि हमें तो छोले भटूरे खाना था फिक्स था हमारा तो विनोद अपना डिसाइड कर रहे हैं कि उसे तो क्या खाना है क्योंकि उसको कुछ हेल्दी सा खाना था बाहर खा रहे हैं लेकिन कुछ हेल्दी तो वो अपना चूज़ कर रहा है और परी मैडम यहाँ पर प्यारियाँ दे रही है ले रही है उसका तो प्यार शुरू हो गया था यहीं पर कि बस करो मुझे और बहुत खुश हो जाती हैं तो ये हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं और पर इन्हें बिल्कुल सारी जो बोलते ना गर्माहट वो निकाल दी इनकी कर कर के तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है मतलब ब्रांड है तो मतलब ब्रांड का टेस्ट आता ही है उसके अलावा ये परी का सेक्शन है फेवरेट यहाँ पे उसको अपने चिप्स वगैरह है और पेस्ट्री वगैरह है तो स्नैक्स सेक्शन है एक्चुअली इस तरफ तो उसका ये काफ़ी फेवरेट है ये वाला सेक्शन और मुझे भी ओम की जो चीवड़ा आता है ना इनका वो बहुत पसंद है मतलब उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है तो यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है और पालवीहार के आसपास रहते हो तो आप कर सकते हैं ये ओपन हो चुका है क्योंकि का, शायद काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ओपन हो चुका है इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ ओपन हो चुका है आप आकर के यहाँ पे जो है इन्जॉय कर सकते हो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह के लिए भी और शायद ऊपर भी है इनका तो काफ़ी बड़ा खुला है तो आसपास में क्योंकि था नहीं इसके बाद जो सेक्टर फोटीन में था या सेक्टर ट्वेंटी थ्री में था हमारे इधर पाल विहार में और विहार की इस तरफ की साइड में नहीं था तो ये ओपन अब ओपन तो पहले भी हो चुका था लेकिन जैसे बताया कि कोरोना था तो बंद था तो बस यहाँ पे अब हम अपना जो है परी मैडम अपना केक ले रही है हम स्वीट्स ले रहे हैं स्वीट खाने का मन था कि चलो अब तो खा ही रहे हैं तो थोड़ी सी मिठाइयाँ भी हो जाएँ और बाकी परी मैडम को जो चाहिए वो अपना यहाँ से पिक कर रही है एंड बाकी सब को मना हो सकता है लेकिन परी को कुछ मना नहीं होगा <laughs> तो उसको जो खाना है अपना उठा करके और पापा ये चाहिए ये चाहिए और तू भी देख रही है जस्ट ऐसे ही तो उसने भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया है अदरवाइज़ घर पे बैठे बैठे ऐसे ही होता तो मैंने उसको आई थी वो ऑफिस से तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो भाई आप तुम भी चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा बाहर घूम के तो रितु को भी हम ले आए थे वैसे वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाती है जैसे ड्यूटी पर रहती है तो थोड़ा हैक्टिक ही रहता है उसका तो आकर के थोड़ा बहुत तो उसने रेस्ट कर लिया था फिर हम लोग उसको अपने साथ ही ले आए थे तो कुछ इस तरह की जो आउटिंग थी वो सही रही हमारी शॉपिंग भी हो गई खाना पीना हो गया बाहर जाके थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी हो गया एंजॉय किया काफ़ी अच्छे से तो चलो घर चलते हो और दिखाते हो कि मैंने क्या शॉपिंग की है तो फ्रेंड्स ये है हमारी शॉपिंग जो कि मैं करके लेके आई हूँ सिर्फ मेरी अच्छा हम तीनों की है विनोद की नहीं है <laughs> तो दिखा देती हूँ तो सबसे पहले कूपन्स दिए उन्होंने और यहाँ पे ना रिलायंस में मतलब ये काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि कूपन्स चलते रहते हैं या कुछ ऑफर भी चलता रहता है और जबकि जो दिल्ली वाला है ना मतलब जो रोहिनी सेक्टर ग्यारह में वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बस मजबूरी होती है कि हाँ ठीक कर ले लिया वहाँ से बट क्या करें क्योंकि उनका सेक्शन ही जरा सा सेक्शन है जिसमें उन्होंने वुमेंस और मैंस और किड्स मतलब क्लोथिंग का जरा सा सेक्शन है और मैंने आपको दिखाया भी गुड़गांव में कितना बड़ा है तो ये अवासा की जो है लेगिंग है मैंने वो ली है और इसमें मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में लेती हूँ और सिर्फ इसी ब्रांड की लेती हूँ इस ब्रांड की मतलब आ, मैंने जितने भी है ना मेरे पास सारे इसी ब्रांड की आपको मिलेगी फोर हंड्रेड की है ये इनका प्राइस यही रहता है और मैंने ऑलमोस्ट सारे कलर ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास रेड वाइट एंड ब्लैक ये पहले से था उसके अलावा जो मेरे पास कॉमन होने चाहिए वो सारे मैंने जो लेगिंग है वो लिए हैं सबका साइज एक्स्ट्रा स्मॉल है सबका प्राइस फोर हंड्रेड है तो यहाँ पे ये मरून है ये रेड नहीं है क्योंकि रेड मेरे पास थी मरून ली है मैंने और ब्लू uh, है ये येलो है मजेंटा uh, है एंड uh, ये दूसरी जो ब्लू uh, कलर में मतलब डिफरेंट शेड में है और ये जो बेस कलर है वो है तो मैंने छः जो लेगिंग है वो ली है तो यहाँ पे ऑफर क्या था कि तीन पे हंड्रेड ऑफ होगा नहीं दो पे हंड्रेड ऑफ है सॉरी दो पे हंड्रेड ऑफ था यानी थ्री फिफ्टी का आपको फोर हंड्रेड का प्राइस है थ्री फिफ्टी की आपको एक लैगिंग मिली और बहुत अच्छा कपड़ा होता है कॉटन होता है एंकल लेंथ में है ये एंड ये बहुत ज़्यादा चलती है इससे पहले भी मेरे पास इसी ब्रांड की थी मैंने कई सारे ब्रांड ट्राई किए बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए सिर्फ यही वो एक ब्रांड है जिसकी लैगिंग मुझे पसंद आती है उसके कुर्ते भी बहुत अच्छे होते हैं और नीरव के लिए एक ये ट्राउज़र लिया है एंड इसका जो प्राइस है वो थाउजेंड रुपीज़ है और एक जीन्स ली है उसकी वो भी थाउजेंड रुपीज़ की है तो इसका जो आ, स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगा था तो मुझे उसके लिए ट्राउज़र लेना था मगर तो मैं आपको पास से दिखाऊँ तो इस तरह का डिज़ाइन सा है इसके अंदर इस क्लोथ के अंदर ही तो एक ट्राउज़र और एक जीन्स चाहिए थी जैसे मैंने बताया मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन मतलब जो चल रही सिचुएशन उसका पता नहीं है कब तक रहेंगी क्या नहीं बट हाँ एक दो कपड़ा तो बच्चे के पास ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे जाना पड़े तो वो हो तो नीरा के पास कोई भी जीन्स नहीं थी तो एक जीन्स और एक ट्राउज़र ले लिए हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो वो हो क्योंकि तो अदरवाइज़ बाहर तो जाएंगे नहीं तो वेस्ट ही होना है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीज़ें लेकर के और स्पेशली बच्चों की क्योंकि बढ़ती हाइट है तो फिर छोटी हो जाती हैं फिर वो ऐसे ही वेस्ट होती हैं तो इसका भी जो डिज़ाइन वगैरह ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था विनोद को भी तो हमने उसके लिए एक ये जीन्स ली एंड एक ट्राउज़र लिया इसका प्राइस भी सेम वही थाउजेंड रुपीज़ है तो अच्छी होती है इसकी यहाँ पे अगर आप कपड़े लेते हो तो बजट फ्रेंडली और अच्छे निकलते हैं वो कपड़े तो इसलिए मुझे ये गुड़गांव का ये वाला जो है वो काफ़ी पसंद आता है इसके अलावा मैंने विशाल से सहारा मॉल से उससे भी लेके देखा है बट मुझे उनके जो क्लोथ है ना वो क्लोथिंग जो सेक्शन है वो मुझे पसंद नहीं आता और परे की बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी चप्पल सैंडल जो भी बोलो आप वो ली है बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड ये फाइव हंड्रेड रुपीज़ की है कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था इस पर बट बहुत सुपर क्यूट है मैं इसको दिखाऊंगी जो पहनेगी इसको और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बजट में आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं एंड जो अफोर्डेबल भी होती हैं एंड ड्यूरेबल भी होती हैं तो ये शॉपिंग थी और ये था मेरा आज का ब्लॉग उम्मीद करते हो कि आप लोगों को पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब भी करें बाय